आपका अपना विजय जैन आपके सामने है। दोस्तों, आज के वीडियो से मैं आपको ये बताऊंगा कि इस परेशानी को आप जड़ से कैसे खत्म कर सकते हैं। कभी याद ही ना आए कि आपको ये परेशानी थी। दोस्तों, बहुत ही अच्छा तरीका है इस चीज को भुलाने का कि आप इस चीज को भूलने का प्रयास मत करो। अगर आप इस समस्या को भूलने का प्रयास करोगे तो इस समस्या को कभी भूल नहीं पाओगे। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है कि भूलने का प्रयास मत करो तभी भूल पाओगे, अगर भूलने का प्रयास करोगे तो भूल नहीं पाओगे। दोस्तों, ये हकीकत है। अक्सर बच्चे कहते हैं कि सर आप कहानियों से समझाते हैं, तो इससे कहानियों का हकलाड़ से क्या संबंध हुआ? दोस्तों, अगर आप ये कमेंट करते हैं कि कहानियों का हकलाड़ से संबंध नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि आपने मेरा वीडियो पूरा नहीं देखा है। दोस्तों, जो कहानी में छुपा मर्म होता है, जो कहानी में छुपा राज होता है, वो अगर आप समझ जाओगे तो हकलाड़ आपके जीवन से पूरी तरह से निकल जाएगी। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा आपको मैं आपकी हकलाड़ को पूरी तरह से बुलाने के लिए और आपके अंदर फुल कॉन्फिडेंस बढ़ने के लिए। दोस्तों, एक सेठ साहब थे जिनका नाम मान लीजिए चुनीलाल। सेठ साहब बहुत लालची इंसान थे, उन्हें बहुत 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 पैसा चाहिए। हाय पैसा, पैसा 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 पैसा, दिन भर बस यही एक रात को अलापते रहते थे। उनके पास बहुत पैसा था, बहुत पैसा था, इतना पैसा था कि उनके आने वाली 7 पीढ़ियां अगर कुछ काम नहीं भी करें तो बैठे बैठे आराम से खा सकती है। उस शहर के अंदर, जिस शहर में सेठ साहब रहते थे चुनीलाल जी, उस शहर के अंदर वो सेठ सबसे धनी थे, लेकिन फिर भी उनकी लालच का कोई अंत नहीं था। उन्हें मालूम चले कि कहां से पैसा मिल सकता है, वो फट से तैयार रहते थे, तत्पर रहते थे उस काम को करने के लिए ताकि और पैसा आए। सेठ साहब को, चुनीलाल जी को मालूम चला कि उनके नगर में बहुत पहुंचे हुए साधु आए हैं, सन्यासी आए हैं, महात्मा आए हैं, भगवान आए हैं, और वो बहुत पहुंचे हुए हैं, बहुत बड़े तांत्रिक हैं, उनके पास बहुत बड़ी बड़ी विलक्षण शक्तियां हैं। सेठ साहब को लगा कि जरूर ये आदमी, ये साधु मेरी कोई मदद कर पाएगा और मुझे और पैसा दे पाएगा। वो फट से अपने वाहन के अंदर बैठकर अपनी सोनो शाकत से अपने चाकरों के साथ में उन साधु के पास में पहुंचे और उन्हें बहुत सारे भेंट दिए, उन्हें फल दिए, फ्रूट दिए, उन्हें जो है तरह तरह के उपहार दिए जो साधु के काम आ सकते थे, और उनसे रिक्वेस्ट की कि भगवान प्रभु आप मुझे कोई ऐसा मंत्र बताइए, ऐसा कोई तरीका बताइए जिससे मेरे पास में बहुत सारा ढेर सारा पैसा आ जाए। साधु समझ गया कि ये सेठ जो है बहुत लालची इंसान है और इसके लालच की कोई सीमा नहीं है, कोई अंत नहीं है। साधु मुस्कुराए और बोले कि हाँ, मेरे पास ऐसा मंत्र है, मैं आपको एक मंत्र बताता हूं। अगर उस मंत्र का आप लगातार 21 दिन तक उच्चारण करेंगे तो आपके पास में इतना पैसा आएगा कि आपको और पैसा कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी जो पैसे की कह सकते हैं कि अभिलाषा है, आपके पैसे की जो चाह है, वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। आप पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएंगे, पूरी तरह से तृप्त हो जाएंगे, या यूं कहूं कि पूरी तरह से धाप जाएंगे, इतना पैसा आपको मिल जाएगा। सेठ साहब बहुत खुश हुए, बोले बताइए वो क्या मंत्र है। साधु ने कहा वो मंत्र मैं आपको एक कागज पर लिख के दे देता हूं ताकि आपको याद रहे, कोई बहुत ही टिपिकल मंत्र है, जटिल मंत्र है, उसका उच्चारण आपको सुबह शाम, सुबह भी 108 बार और शाम को भी 108 बार आपको लगातार करना है 21 दिन तक, और 21 दिन पूरे होने के बाद में एक ऐसा कुछ परिवर्तन आपके जीवन में आएगा कि सिर्फ पैसा और भरपूर पैसा आपके जीवन में आ जाएगा। सेठ साहब तैयार थे उस मंत्र को जो है बोलने के लिए, उसका जाप करने के लिए। तो साधु बाबा ने एक पेपर के ऊपर वो मंत्र लिखकर दिया और साधु को, सेठ साहब को पकड़ा दिया। वो जाइए आप आज से ही इस मंत्र का उच्चारण, या कल से इस मंत्र का उच्चारण आप शुरू कर दीजिए, अच्छा समय देखकर शुभ मन से जो है नहा धोकर इस मंत्र का उच्चारण शुरू कर दीजिए। लेकिन ध्यान रहे, इस मंत्र का एक काट भी है, एक एंटी मंत्र है, अगर आपने वो चीज कर दी तो ये मंत्र काम नहीं करेगा। सेठ साहब बताइए क्या बात है। बोला ऐसा है कि बंदर जो होता है बेसिकली, वो बंदर इस मंत्र का काट है, क्योंकि जिसने इस मंत्र को बनाया है बंदर उसका विरोधी था, है ना।
तो इस मंत्र को बोलते समय या इस मंत्र को पढ़ते समय, इस मंत्र का उच्चारण करते समय या 21 दिन तक जब आप मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, इस 21 दिन तक बंदर आपके आसपास नहीं होना चाहिए, ना फिजिकली होना चाहिए और ना ही मेंटली होना चाहिए। यानी कि आपके घर के आसपास, आपके माहौल के आसपास, आपके शहर के आसपास, और तो और आपके मन में, आपकी सोच में, आपके विचार में, आपके दृष्टिकोण में कहीं भी बंदर नहीं होना चाहिए। ना बंदर को देखेंगे, ना बंदर बोलेंगे, ना बंदर के बारे में सोचेंगे, ना बंदर के बारे में कुछ करेंगे, ना बंदर के बारे में कुछ पढ़ेंगे। बंदर आपके आसपास कहीं भी नहीं होना चाहिए, ये विशेष ध्यान रखना। एक बार भी अगर आपने बंदर के बारे में सोच लिया या बंदर की बात कर लिया, बंदर को देख लिया या बंदर के बारे में पढ़ लिया या बंदर वर्ड सुन लिया, तो ये मंत्र काम नहीं करेगा। सेठ साहब बोले कोई बात नहीं, 21 दिन की बात है, मैं पूरा पूरा ध्यान रखूंगा। सेठ साहब तुरंत अपने घर पहुंचे, अपने बंगले में पहुंचे और सभी जितने भी नौकर थे, करीब 150-200 नौकर उनके पास में थे, तो सेठ साहब ने उनको बुलाया और विशेष विशेष निर्देश दिया। बोले ध्यान रहे कि अगले 21 दिन तक बंदर मेरे आसपास नहीं आना चाहिए। जितने ही बंदर हैं शहर के अंदर, सही बंदरों को शहर से बाहर निकाल दो। जितने ही बंदर की तस्वीरें इस घर के अंदर है या इसके आसपास है या शहर के अंदर है, उनको शहर से बाहर निकाल दो। जितने ही बंदर के खेल दिखाने वाले मदारी हैं, उन्हें उनके बंदर समेत शहर के बाहर निकाल दो। बंदर 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 बंदर, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ बंदर उनके माइंड में चल रहा था। बंदर नहीं होना चाहिए, बंदर नहीं दिखना चाहिए, बंदर नहीं बोलना है, बंदर नहीं सुनना है, बंदर नहीं याद करना है, बंदर को नहीं देखना है, बंदर 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 बंदर, सिर्फ बंदर उनके माइंड में था। सेठ साहब बहुत कोशिश कर रहे थे लेकिन बंदर उनके माइंड से नहीं निकल रहा था, क्योंकि बंदर नहीं, बंदर नहीं, बंदर नहीं, बंदर नहीं के अंदर भी बंदर तो था ही। तो दोस्तों, इस कहानी का मतलब यह है कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम हकलाट को याद नहीं रखें, हम हकलाट के बारे में नहीं सोचें, हम हकलाट के बारे में नहीं पढ़ें, हम हकलाट के बारे में याद ही ना करें, हम हकलाट के बारे में विचार ही ना करें, लेकिन नहीं नहीं करते करते भी कहीं ना कहीं हकलाट 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 इस स्टैमरिंग को हम बार बार याद कर रहे हैं, याद कर रहे हैं और भूलने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, हम इस चीज को भूलना चाहते हैं, यही अपने आप में एक रिमाइंडर है कि हम इस चीज को याद रख रहे हैं। तो दोस्तों, ये तरीका नहीं है हकलाट को भूलने का, और जब तक आप हकलाट को नहीं भूलेंगे तब तक आपके अंदर विश्वास नहीं आएगा। तो दोस्तों, अगर आप वास्तव में चाहते हो कि आपके जीवन से ये हकलाहट पूरी तरह से निकल जाए, ये हकलाट शब्द पूरी तरह से निकल जाए, तो दोस्तों मैं बताता हूँ आपको आइडिया, बेस्ट आइडिया है। अगर एक चीज़ को भूलना है तो दूसरी चीज़ को याद रखना पड़ेगा। अगर किसी दर्द को भूलना है तो किसी खुशी को याद रखना पड़ेगा। अगर हकलाहट को भूलना है तो विश्वास को, मन के विश्वास को, कॉन्फिडेंस को, अपने अंदर की अच्छाइयों को याद रखना पड़ेगा। तो दोस्तों, बेस्ट तरीका है आज से, अभी से आपको इस शब्द को, मैं उस शब्द का नाम भी नहीं लूँगा, आज से आपको उस शब्द को याद भी नहीं करना है, उसको भूलने का प्रयास भी नहीं करना है। जितनी भी अच्छाइयाँ आपके अंदर है, जो कुछ आप हासिल करना चाहते हो, उन्हें कागज पे लिख लो और दिन भर बस उसी के बारे में सोचते रहो, उसी के बारे में बात करते रहो, उसी को याद करते रहो, उसी का विचार करते रहो, उसी की चर्चा करते रहो, उसी के बारे में पढ़ते रहो, उसी के बारे में सोचते रहो। वही देखना है, वही बोलना है, वही सुनना है, वही कहना है, वही याद करना है। वो चीज़ जो आप भूलना चाहते हो उसका विचार भी नहीं करना है, बस खुद से कहते रहो, अब मेरी आवाज़ अच्छी है, अब मेरी आवाज़ अच्छी हो रही है, अब मेरे अंदर शक्ति आ रही है, अब मेरी मानसिक शक्ति बढ़ रही है, अब मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, अब मेरा विल पावर बढ़ रहा है, मज़ा आ रहा है बोलने का, मेरी आवाज़ मेरी आवाज़ मेरी आवाज़ अच्छी हो गई है, मेरी आवाज़ अच्छी हो गई है। ये बोलते रहिए और दिमाग को ये सोचने का मौका ही मत दीजिए कि कुछ बुरा भी है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मैं विजय जैन, वॉइस ट्रेनर, इसी तरह आपके वीडियोस, आपके लिए वीडियोस लाता रहूँगा। और दोस्तों, अगर आपको मुझसे जुड़ना है, आप चाहते हैं कि मैं करीब रहकर मैं पर्सनली आपकी मदद करूँ, तो दोस्तों आप मुझसे मेरे व्हाट्सअप नंबर 8890601641 पर बात कर सकते हैं। जो जो संभावनाएँ हैं मेरे पास आपको सही करने की, पर्सनली मैं आपको बता दूँगा। थैंक यू वेरी मच, आपका जीवन मंगलमय हो, यही कामना करता हूँ। थैंक यू।